हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब शुरू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेबी द्वारा जो है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जो है डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो है फेज वन में आपके जो है दो पार्ट होंगे और 100-100 नंबर का पेपर होगा दोनों पार्ट का, और फेज टू में भी जो है दो पेपर होंगे 100-100 नंबर के, और फेज थ्री आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो पहले फेज वन की बात करें जिसमें पेपर वन है, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर के जो है क्वेश्चन ज़्यादा होंगे जनरल अवेयरनेस में। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मिनिमम 30% आपको लाना ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और सेकेंड पेपर आपका जो है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 40 मिनट का इसका टाइम मिलेगा आपको, 40 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दें। और कट ऑफ इसका जो है 40% है, टोटल 40% मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए, मतलब दोनों का मिला के एग्रीगेट कट ऑफ भी 40% होना चाहिए। तो 40 इसमें, ये 30 में पास हो जाओगे या तो इसमें ज़्यादा ले आओ या फिर दोनों में 40-40 ले आओ, तभी फेज वन क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है पेपर वन और पेपर टू में फेज वन के। अब उसके बाद जो है अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फेज टू जो कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 नंबर का एक पेपर है, तो इसमें पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें जो है ड्राफ्टिंग स्किल आपकी चेक की जाएगी, आपको लिखना आना चाहिए, 100 नंबर का पेपर है, और एक घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें 30% आपका कट ऑफ होना चाहिए। वेटेज जो है 1/3 इसमें वेटेज है। इसके बाद सेकेंड पेपर दो पार्ट में होगा, पहला कि 70 आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, स्ट्रीम से रिलेटेड। 3 आपके जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का एक होगा, स्पेशलाइज सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसका आंसर आपको जो है टाइप करना होगा कीबोर्ड की हेल्प से। इसमें आप आंसर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, और ये पेपर आपका जो है 100 नंबर का होगा। इसमें जो है 70 जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे उसके लिए भी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एक एक घंटे का होगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ये 30 नंबर के, और इसमें भी 40% आपको मिनिमम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और 2/3 वेटेज होगा, मतलब दोनों में 1/3 पहले वाले का वेटेज होगा और 2/3 दूसरे वाले का वेटेज होगा, और एग्रीगेट कट ऑफ इसमें 50% आपको लाना ही है तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपकी जो है निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में जो है जो सेकेंड में क्वालिफाई कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो है 15% इंटरव्यू का वेटेज होगा आपकी मेरिट में। अगर मार्क्स डिटेल बात करें तो पर्टिकुलर इंटरव्यू की बात करें, इसमें 90% वेटेज होगा, अगर 90% आपका आता है वेटेज ऑफ मार्क्स तो आपको 13.5 मिलेंगे, और 10% रिलेवेंट पोस्ट के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें ऐड होगा जिसके जो है 1.5 होंगे, तो टोटल 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं बेसिक पे की, तो बेसिक पे 44,500 है, तो इसमें मिनिमम 44,500 मिलेगा, इसके अलावा सारे अलाउंस मिलेंगे, तो आपका जो है कम से कम 65,000-70,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिटेल सिलेबस की, तो डिटेल सिलेबस आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई, वहां से डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।